आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम पेटेंट रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन, अक्सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके आईपीआर के शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेता है। तो इस वीडियो में हम पेटेंट रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि अगर आप वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप डील कर सकते हो। सबसे पहले वो व्यूअर्स जो नए हैं, सबसे पहले आप जान लो कि पेटेंट क्या है। शॉर्ट में पेटेंट क्या है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने डिटेल में बात किया है नोट्स के साथ कि अगर आपके एग्जाम में पेटेंट के बारे में पूछे तो आप कैसे डिफाइन करोगे। पेटेंट क्या है? पेटेंट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, दीज आर नथिंग बट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है? वेरियस फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। अगर हम बात करें पेटेंट के बारे में तो पेटेंट बेसिकली एक राइट है विच इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। जो कि कौन ग्रांट करता है? गवर्नमेंट ग्रांट करता है। किसको? इन्वेंटर को, ताकि वो जो इन्वेंटर जिसने कोई इन्वेंशन बनाया है जो कि पूरी तरह से उसका क्रिएशन है, उसके एफर्ट्स लगे हैं, उसका टाइम क्या है, मनी लगा है, तो उसके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जब गवर्नमेंट कुछ राइट्स असाइन करता है उस इन्वेंटर को, ताकि उसके इन्वेंशन को कोई दूसरा पर्सन इमिटेट ना कर सके, यानी कॉपी ना कर सके, बिना उसके परमिशन के मैन्युफैक्चर ना कर सके उस इन्वेंशन को, किसी भी मैनर में बिना उसके परमिशन के उसके इन्वेंशन को यूज ना कर सके, सेल ना कर सके किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो इसे हम कहते हैं पेटेंट, राइट? तो पेटेंट बेसिकली एक राइट है। पेटेंट इज अ राइट विच इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इमिटेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग, सेलिंग द इन्वेंशन फॉर कमर्शियल पर्पस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड विदाउट हिज परमिशन, राइट? तो ये है पेटेंट। जैसे राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन्स का पेटेंट करा रखा था, थॉमस अल्वा एडिशन ने लाइट बल्ब का पेटेंट करा रखा था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करा रखा था। तो पेटेंट के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में बात किया है। अब देखो, अगर पेटेंट होल्डर या इन्वेंटर जिसने किसी इन्वेंशन को बनाया है जो कि प्योरली उसका क्रिएशन है, अगर अपने उस इन्वेंशन को इन्वेंटर पेटेंट एक्ट 1970 के तहत रजिस्टर्ड करा लेता है तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट, इन्फ्रिंजमेंट के केस में पेटेंट होल्डर लीगल एक्शंस ले सकता है, सूट फाइल कर सकता है इन्फ्रिंजर के अगेंस्ट में, ठीक है। दूसरा, कि जितने समय के लिए पेटेंट पीरियड होता है 15 से 20 सालों के लिए, तो इन 15 से 20 सालों में जो एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे इन्वेंशन को लेकर के, केवल और केवल ओरिजिनल क्रिएटर, ओरिजिनल इन्वेंटर के पास होंगे। और
और इन पीरियड में ही इज लाइबल टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकता है अपने इन्वेंशन को लाइसेंस के तौर पे या असाइनमेंट के तौर पे किसी दूसरे पर्सन को दे करके और बदले में रॉयल्टीज अर्न कर सकता है, राइट? पेटेंट रजिस्ट्रेशन इस क्रिएटर को अलाउ करता है या अपॉर्चुनिटी देता है कि ये मार्केट में मोनोपोली राइट को एंजॉय कर सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर इसने अपने इन्वेंशन को पेटेंट एक्ट 1970 में रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो कोई भी पर्सन आसानी से इसके इन्वेंशन का कॉपी कर सकती है, कॉपी प्रोडक्ट बना सकती है, मार्केट में सेल कर सकती है और बेनिफिट्स ले सकती है, जो कि वॉयलेशन है इसके राइट्स का। तो एक बार इसने अपने इन्वेंशन को पेटेंट करा दिया तो मार्केट में उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के ऊपर इसका क्या होगा? एकाधिकार होगा, मोनोपोली राइट होगा। पेटेंट रजिस्ट्रेशन कन्फर्स एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट ऑन पेटेंटी और हिज लाइसेंसी और अजाइनी, ठीक है? तो ये पेटेंटी के ऊपर है कि वो अपने एक्सक्लूसिव राइट्स को इन रिलेशन टू हिज और हर इन्वेंशन, पेटेंटी अपने इन्वेंशन के रिलेशन में अपने राइट्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करें या ना करें, ये टोटल किसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये चाहता है कि लाइसेंस के तौर पे या असाइनमेंट के तौर पे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने इस इन्वेंशन के रिगार्ड में कुछ राइट्स दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर दे ताकि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सके, रॉयल्टीज ले सके, तो इट इज अप टू हिम, ये इसके ऊपर है, इट इज हिज चॉइस। तो बेसिकली पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अपने इन्वेंशन को सेफ गार्ड करना, एक रीजनेबल रिटर्न लेना अपने इन्वेंशन के एवज में, एक्सक्लूसिव राइट्स लेना, मोनोपोली राइट्स लेना, ताकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपके उस इन्वेंशन को कॉपी ना कर सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो अगर आपने अपने इन्वेंशन का पेटेंट करा रखा है तभी आप लाइबल हो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने के लिए, ठीक है? देखो, आप हमेशा कहते हो कि बैकग्राउंड में नॉइज आता है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं गांव में रहता हूं और शोर ना हो, कम से कम आवाज़ आए, इसलिए मैं छत पे वीडियो बनाता हूं। लेकिन कभी कोई बच्चे खेल रहे हैं या कोई फेरी वाला आ गया तो ये सभी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं, नॉइज़ कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो क्योंकि आपके आपको सुविधा हो इसलिए ये देखो नया माइक है, तो अभी तो इनकम है नहीं तो कैसे भी एडजस्ट करके नया माइक लिया है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। तो इस एफर्ट को देखते हुए और इस मेहनत को देखते हुए प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।